यू बाय माय 11 सर्कल विन फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ एंड लग्जरी कार डाउनलोड नाउ। सॉल्ट की सनसनी से जीती दिल्ली की टीम, विराट महिपाल की हाफ सेंचुरी के बावजूद हार गई बेंगलोर की टीम। अपने मैदान में और अपने फैंस के सामने दिल्ली के लिए सवाल साख बचाने का था, इसलिए कप्तान डेविड वार्नर ने फिल सॉल्ट के साथ मिलकर तेज शुरुआत की। पावर प्ले खत्म होते होते ये जोड़ी टीम का स्कोर 60 तक पहुंचा चुकी थी। जब लगने लगा कि वार्नर लंबी और तूफानी पारी खेलने के मूड में हैं, हेजलवुड ने उन्हें लौटा दिया। लेकिन सॉल्ट सनसनी मचा रहे थे, उनके बल्ले से कभी छक्के तो कभी चौके बरस रहे थे। उनका साथ बखूबी निभा रहे थे मिचेल मार्श, लेकिन 26 रन की उनकी पारी को हर्षल पटेल ने जल्द ही खत्म कर दिया। सॉल्ट का बल्ला धीरे धीरे बैंगलोर से छिन रहा था। 45 गेंद पर 87 रन की पारी में उन्होंने जमाए 6 छक्के और 8 चौके। उनके जाने के बाद उनके साथी रोसो ने 35 रन की पारी खेलकर दिल्ली की जीत पर मोहर लगा दी। अंक तालिका में अरसे से आखिरी पैदान पर अटकी दिल्ली की टीम के लिए ये जीत टॉप टीमों में आने का मौका बेशक ना लेकर आए, लेकिन हार के हाहाकार से खिलाड़ियों को बाहर निकालने में मददगार जरूर साबित होगी। बेंगलोर ने दिल्ली का बैंड तो वैसे ही शुरू से बजाना शुरू कर दिया था। विराट कोहली और डुप्लेसी की जोड़ी छक्कों की जगह चौकों को तरजीह देते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। दिल्ली को 10 ओवर और 82 रन तक कोई विकेट हासिल नहीं हो पाया था। फिर ये जोड़ी तोड़ी मिचेल मार्श ने और डुप्लेसी को 45 रन पर वापस लौटना पड़ा। मार्श मोर्चा संभाल चुके थे और अगले ही गेंद पर उन्होंने मैक्सवेल का शिकार कर बेंगलोर की मुश्किलें बढ़ा दी। इन मुश्किलों से निकालने का अभियान आगे बढ़ाया विराट कोहली और महिपाल ने। जल्द ही विराट ने हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। आखिरकार मुकेश ने विराट की पारी पर लगाम कसी, लेकिन दूसरे छोर पर महिपाल ने 3 छक्कों के साथ हाफ सेंचुरी जमाकर बेंगलोर का स्कोर 180 के पार करने में अहम किरदार निभाया। आज तक ब्यूरो। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।